Hello friend, welcome to my channel Manoj Sharma Civil Engineering Knowledge. Now today we will discuss bar bending schedule for a footing. तो देखिए bar bending schedule इसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर footing दिया हुआ है, इसके लिए हमें bar bending schedule इसका BBS बनाना है. तो इसका साइज जो है हमारा दिया है 1980x1130, ठीक है. तो डबल जाली है इसमें. तो फॉर हम पहले निकालते हैं बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए. बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए हम यहाँ पर इसका BBS निकालेंगे. देखिए इसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, हमने इसका एक लेंथ है हमारा, एक विड्थ है. ये जैसे 1980 जो है हमारा वो लेंथ है, 1130 विड्थ है. तो हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल टू लेंथ के लिए हम निकालेंगे BBS यहाँ पर बनाएंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल टू लेंथ या जैसा कि हमारा 1980 यहाँ पर इसका लेंथ दिया है. तो इसकी सबसे पहले हमें निकालना होगा कट लेंथ. निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला ये हमारा नीचे गिवन दिया यहाँ है. कट लेंथ निकालने के लिए हमारा क्या है, लेंथ जो हमें दी है -2 × cover + 2 × 100. तो यहाँ पर 2 × 100 क्या है, जैसे कि कवर क्या होता है हमारा, कवर सभी लोग जानते हैं कवर क्या होता है. तो कवर हमारा यहाँ पर वैसा ही 100 क्या है, 100 जो ये रेनफोर्समेंट है इसका जो हमें एल मोड़ना है वो गिवन किया गया है, ये 100 है. तो 100 यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया. तो लेंथ -2 × cover + 2 × 100, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगा के कट लेंथ हमने निकाला इसका, तो 2 m 80 mm आ गया. ठीक है, 2 m 80 mm हमारा कटलेंथ निकल गया. अब आएगा नंबर ऑफ बार निकालने के लिए. हमारा नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ जो हमारी गिवन होती है डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन. तो लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारा ये दिया है 1980. तो 1980 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग दिया है 10 mm डाया का सरिया है और 150 स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर है. तो 150 से हम जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 13.2 प्लस 1 है तो हमारा 14.2, यानी कि 14 रेनफोर्समेंट स्टील की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पैरेलल टू विड्थ रेनफोर्समेंट के लिए. देखिए यहाँ पर विड्थ कितनी दी हुई है, 1130 विड्थ है. तो हम पैरेलल टू विड्थ जब निकालेंगे तो हमारा वही फॉर्मूला लगाया. ठीक है, तो 1130 हमारी लेंथ है माइनस कवर हमारा 50 mm है. तो 2 × cover किया यानी कि 2 × 50 है और प्लस 2 × 100. ठीक है, 100 जो हमने एल बैंड किया है उसके लिए हो गया. 1130 किया 1030 प्लस इसमें 2 × 100 किया तो 1230 ये हमारा इसका कट लेंथ निकल के आ गया. अब नंबर ऑफ बार निकालने के लिए अगेन वी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस वन. तो हमारा नंबर ऑफ बार निकल के आएगा 7.5 + 1 तो 8.5. तो यानी कि ये 8.5 जो कि हमारा नियरली इक्वल टू 9 नंबर्स, यानी कि हम 9 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए आ गया, जैसा कि ये गिवन किया हुआ है बॉटम रेनफोर्समेंट. अब हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है, तो इसी तरीके से हम टॉप रेनफोर्समेंट के लिए निकालेंगे. चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं टॉप रेनफोर्समेंट. देखिए टॉप रेनफोर्समेंट ये आ गया. इसमें देखिए टॉप रेनफोर्समेंट के लिए हमारे पास जो स्टील गिवन किया हुआ है, ये देखिए 10 mm डाया का टॉप रेनफोर्समेंट भी है, वो भी 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे है. ठीक है, और तो हमें जैसा साइज पता है उसका, तो यहाँ से निकाल लेंगे. टॉप रेनफोर्समेंट के लिए हमें लेंथ पता था कितना है, लेंथ हमारा है 1980 बाई 1130. तो लेंथ हमारा कितना है, तो हमने फॉर्मूला है कट लेंथ इक्वल टू लेंथ -2 × cover + 2 × 100. तो 1980 माइनस ये सॉल्व करके वही आ गया हमारा 2 m 80 आ गया. अब नंबर ऑफ बार निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला जैसा कि हमने पीछे अप्लाई किया था, पीछे अप्लाई फॉर्मूला क्या किया था आपने नंबर ऑफ बार निकालने के लिए, नंबर लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस वन. जब आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमारा ये
14.2 नंबर ऑफ बार फॉर टॉप रेनफोर्समेंट, ये निकल के आएगा। सेम इसी तरीके से हम पैरेलल टू विड्थ जब निकालेंगे विड्थ के लिए रेनफोर्समेंट, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड देन हमारा कट लेंथ जो होता है वो निकल के आएगा 1230, ठीक है, और नंबर ऑफ बार निकल के आएगा 8.5, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी फुटिंग के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल इसी तरीके से बनाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।